नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है देहरादून से गोरखपुर तक चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है देहरादून से गोरखपुर तक चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, या देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है देहरादून उत्तराखंड से हर मंगलवार और गुरुवार को गोरखपुर के लिए रवाना होती है, और देहरादून से गोरखपुर की जो दूरी है 16 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। इसका ट्रेन नंबर है 15006, और ये जो ट्रेन है इसके तकरीबन 16 स्टेशन से 814 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। आगे बात करते हैं देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस के रूट मैप के बारे में। तो देहरादून से अपनी यात्रा जो है स्टार्ट होती है हरिद्वार होते हुए लक्सर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जंक्शन, शाहजहानपुर जंक्शन, हरदोई होते हुए लखनऊ चारबाग में पहुंचती है। लखनऊ चारबाग के बाद बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती होते हुए खलीलाबाद के थ्रू यह गोरखपुर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। इस यात्रा को करने के लिए इसे 815 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करना पड़ता है और 16 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। अगर बात करें देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो भी आपको टिकट किराया बताऊँगा वो देहरादून से गोरखपुर तक का होगा। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। जनरल डिब्बों को छोड़कर आपको सभी कोचेस में रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तो आगे टिकट किराया डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट AC का देहरादून से गोरखपुर तक का किराया है 2750 रुपये, जिसमें 2560 रुपये के करीब तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 131 रुपये है। टोटल टिकट किराया 2750 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो किराया है वो है 1635 रुपये, जिसमें 1507 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 78 रुपये है। टोटल टिकट किराया 1635 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का देहरादून से गोरखपुर तक का किराया है वो है 1145 रुपये, जिसमें 1050 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 55 रुपये है। और अगर स्लीपर क्लास की बात करें तो स्लीपर क्लास के 3 कोच हैं, जिसका टिकट किराया जो है वो है 425 रुपये, जिसमें 405 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। ये देहरादून से गोरखपुर तक का किराया बता रहा हूँ। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे के टिकट काउंटर या वेबसाइट से कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बों के तकरीबन 2 कोच हैं इस ट्रेन में, जिसका टिकट किराया जो है देहरादून से गोरखपुर तक का है 235 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो ये तो होगी बात सभी कोचेस के टिकट किराए के बारे में। आगे बात करेंगे देहरादून से गोरखपुर तक चलने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस या देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। अगर टाइम टेबल के बारे में बात करें तो देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है देहरादून से हर मंगलवार और गुरुवार को दोपहर के 3:15 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 16 घंटे 40 मिनट बाद अगले दिन सुबह 7:55 पर गोरखपुर जंक्शन में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में ट्रेन जो है शाम के 4:43 पर पहुंचती है और 4:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 12 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 52 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है लक्सर जंक्शन में पहुंचती है, जो कि उत्तराखंड का स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 5:28 पर पहुंचती है और 5:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 78 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है LRJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है नजीबाबाद जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:04 पर पहुंचती है और 6:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लालकुआ अमृतसर वीकली एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर हर मंगलवार को क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में रात के 8:18 पर पहुँचती है और 8:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 219 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MB। इसके बाद ये ट्रेन जो है
रामपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 8:50 और 8:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सुशासन एक्सप्रेस और गंगा सतलुज एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है रात के 10 बजे और 10:02 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 309 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है शाहजहानपुर जंक्शन में पहुँचती है रात के 11:13 पे और 11:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 380 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SPN। इसके बाद ये ट्रेन जो है हरदोई रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है रात के 12:13 पे और 12:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 443 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन हरदोई के बाद लखनऊ चारबाग में पहुंचती है रात के 1:55 पे और 2:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ और कई अन्य ट्रेनों के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद बाराबंकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 3:03 पे पहुँचती है और 3:05 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 572 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। फिर यह ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन में सुबह 4:40 पे पहुंचती है और 4:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 662 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मनकापुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 5:18 पे पहुँचती है और 5:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 690 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन पे सुबह 6:27 पे पहुँचती है और 6:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 750 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पे सुबह 6:53 पे पहुँचती है और 6:55 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 780 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और यहाँ पर गोरखपुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने फाइनल स्टेशन गोरखपुर जंक्शन में पहुँचती है सुबह 7:55 पे और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है 815 किलोमीटर के करीब ये देहरादून से गोरखपुर तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं किसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें।